Hello everyone, welcome to my YouTube channel Musical Instrument with Ritika. And आज मैं आपके लिए वीडियो लाई हूँ जो कि रिदम एडिटिंग से रिलेटेड है. और आज मैं आपको एक सॉन्ग है, ओल्ड मेलोडियस सॉन्ग है, पल पल दिल के पास, तो उसकी रिदम बताऊंगी कि कैसे आप उस गाने की रिदम बजा सकते हो अपने कीबोर्ड पे. और बाकी साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी रिदम एडिटिंग की, जो वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ कि आप रिदम एडिटिंग कैसे करेंगे और कैसे सेव करेंगे उसे अपने कीबोर्ड में, तो आप वहां से सीख सकते हैं. बाकी रिदम बजाना मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ कि आप पल पल दिल के पास वीडियो सॉन्ग में कैसे रिदम बजाएंगे. तो बेसिकली तीन कॉन्गो और ढोला के पैटर्न इसमें बजते हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी. थोड़ा सा गाना बजा के फिर उसके साथ में बताऊंगी आपको मैं. तो इंट्रो पार्ट में जो इसके बज रहा है, आपने सुना होगा, मैंने भी क्लिप चलाई थी थोड़ी देर की, तो उसमें आपने सिलेक्ट किया है, मैंने 715 715 नंबर पे इंडियन वन, और मैंने इसे सेकंड बैंक में सेव कर लिया है, जैसे कि मैं मुझे बार बार टूर में ना जाना पड़े. आप भी ऐसे कर सकते हैं. तो इसके बाद में इसमें जो कीज़ यूज़ हो रही है वो है आपका बी, थर्ड ऑक्टेव की बी, एंड साथ ही में फोर्थ ऑक्टेव की ई. ये दोनों कीज यूज हो रही है. साथ में आपका द के लिए ये यूज हो रहा है, डी डी का फोर्थ ऑक्टेव का डी. और साथ में परकशन हम करेंगे ए शार्प से. तो इन चार इन फोर कीज से हम इस रिदम को बजाएंगे. इसमें मैं पहले इस की को बजा रही हूँ फिर इसकी को बजा रही हूँ. तो ये जो डी है, ई में जो डी है ये है घिसे वाला डी, घिसे वाला डी, और साथ ही में ये जो है ये नॉर्मल डी है. तो डी 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 और साथ में परकशन बजाना है, ये कंटिन्यूअसली बजेगा ऐसे. तो ये तो अभी मैंने आपको बताया कि इंट्रो में ये बोल बजा है, बाकी गाने के बीच में भी ये बोल बार बार रिपीट होता है. तो इस वीडियो में तो मैं पूरा गाना प्ले नहीं कर सकती हूँ, तो आप जब वो गाने को सुनेंगे तो आप उसमें ध्यान देना कि ये बोल आपको बाद में भी रिपीट होगा. और इसके बाद में जो पैटर्न बजा है वो कॉन्गो का पैटर्न है, उसे वो आपको मिलेगा 707 नंबर पे. बाकी और भी जो ड्रम ड्रम सेट इसमें दिए हुए हैं आप उनमें से भी चूज कर सकते हो, बट मुझे ये वाला ज्यादा मैच कर रहा है उससे, तो मैंने ये चूज किया है. इसको मैंने बैंक वन में सेव कर दिया है. तो इसके बाद में हम इसे बजाने के लिए, तो इसमें जो कीज यूज हो रही है वो आपका फर्स्ट ऑक्टेव की सी यूज होगी. फर्स्ट की जो है ये बेस की है. इसके बाद में आपका जो थर्ड है ऑक्टेव है उसमें सी शार्प और ई, ये तीन कीज यूज हो रही है इस पैटर्न को बजाने के लिए. तो इससे मैंने जैसे बजाया है ग ये जो अभी आपने सुना जहां से मैं सांस लेता हूँ, यहाँ से दूसरा पैटर्न बजाया गया है. इसमें अगेन 715 में इंडियन वन में मैंने जो सेकंड बैंक में सेव किया था उसी में से ये बोल बज रहा है. तो ये बोल है, तो ये बोल जो है एक साथ बजाना है, दूसरा फिर ये सिंगल बजाना है, फिर ये बजाना है, फिर ठीक है. तो इस तरह से ये जो थर्ड पैटर्न है ये बजेगा. तो
तो इसमें एक पैटर्न और भी यूज हुआ है जिसको मैं आपको सुनाती हूँ, एक बार गाने में क्लिप सुनाती हूँ। तो ये जो बोल बज रहा है इसमें पैटर्न में, ये मैं एक बार आपको बताती हूँ कैसे बज रहा है ये। तो ये भी आपका इंडियन 1715 नंबर पे ही ये बजेगा। इसका जो बोल है ये कुछ धी, तक तक, धी, तक तक, इस टाइप से बज रहा है। इसमें जो मैंने कीज यूज करी है वो है ए शार्प, इसके साथ में बी है जो कि धी के लिए यूज किया है, और ये जो है घिससे वाला धी ई, और साथ में ता के लिए डी यूज किया है। और इसमें थोड़ा आपको बजाते समय टाइमिंग की ध्यान रखनी पड़ेगी, जो ताल है उसकी ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इसको आप बजाओगे तो ये था इस सॉन्ग का जो कॉन्गो और ढोलक का पैटर्न था जो मैंने बताया, चार पैटर्न मैंने बताया इसमें। तो वैसे तो जो ओरिजिनल सॉन्ग है उसमें जो बजता है तो वो पूरा, मतलब जो फील होता है वो कीबोर्ड में उतना फील तो आपको नहीं आएगा जो आप रिदम बनाओगे, बट फिर भी आपकी प्रैक्टिस के लिए, और अगर आप किसी सॉन्ग को गाना चाहते हो अपने कीबोर्ड में तो आप उसकी रिदम बनाने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, इस तरीके से यूज कर सकते हो आप कीबोर्ड को। तो आपको अगर किसी और सॉन्ग का कोई, आप चाहते हो किसी सॉन्ग की रिदम जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस सॉन्ग का नाम लिख सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो टेक केयर, बाय।